अयोध्या में जो राममय माहौल है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके आश्रय जो सियासत हो रही है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आरोप बार बार ये लग रहा है कि विपक्ष ऐसे माहौल में भी राजनीतिक सवाल क्यों खड़े कर रहा है, अयोध्या के कार्यक्रम को राजनीतिक क्यों बताया जा रहा है। इन सबके बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी इंडिया गठबंधन के अंदर पेच फंसा हुआ है, ये बड़ी खबर भी हमने आप तक पहुंचाई, इसी पर भी हम बातचीत करते हैं। देखिए कमलेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है आप कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, आपके बड़े नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आपके अंदर की स्थिति जो इंडिया गठबंधन की है उसकी भी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है, सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है, किस फ्रंट पर आप मुकाबला करना चाह रहे हैं बीजेपी से और कैसे? बीजेपी से जब भी मुकाबला होगा राजनीतिक रूप से होगा और इंडिया गठबंधन के रूप में ही उसका मुकाबला होगा, होगा लेकिन राजनीति में व्यवहारिकता का बड़ा महत्व होता है। आप अगर सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला लेकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, पंजाब में पता है आपको थोड़ी देर पहले खबर बता दूं, भगवंत मान ने कह दिया कि 13 की 13 लोकसभा सीटें हम लड़ेंगे, आप लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, चुनाव में 4 महीने का टाइम है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। भाई साहब भगवंत मान, एक मिनट, वहाँ के मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर जीतेगी, आप कहाँ रह गए, कांग्रेस कहाँ रह गई? वो तो अंदर बैठक होगी तो तय होगा कि कौन कहाँ रहेगा और कौन कितनी सीट पे लेगा, अभी मतलब उसके बारे में मुख्यमंत्री की बात का कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री की बात में कोई वजन नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री की बात नहीं, केजरीवाल के बयान देखिए, भगवंत मान पंजाब की आवाज उठा रहे हैं, जब गठबंधन में केजरीवाल के साथ बैठक होगी कौन कितनी सीट पे लड़ेगा और कौन कहाँ रहेगा, गठबंधन में तय हो जाएगा। भी गए थे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पीयूष जी क्या कहना चाह रहे हैं? गठबंधन में तो भगवंत मान भी तो गए थे, ऐसे हैं हर जगह जाते हैं, गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री है, आपस में सर फुटबॉल कर रहा है। आप बताइए कि कांग्रेस, आप बताइए कि कांग्रेस ममता बनर्जी के सामने लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, आप बताइए कांग्रेस स्टालिन के सामने लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, आप देखिए कि भाजपा, अरे हम भाजपा के साथ हैं, कभी इधर कभी उधर पे बेदी के लोटे जैसे ढुलकते रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्तर प्रदेश के असूल रहे हैं, और बिहार के पूर्वांचल के 13 जिले की पार्टी की हैसियत नहीं है कोई कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने की, आपसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बड़ी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी है, आप अपनी देखिए, आप भगवंत मान का बयान सुनवा देता हूँ, भगवंत मान का बयान सुनवा देता हूँ, जिन्हें जिन्हें कमलेश कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं इस बयान का, मैं सुनवा देता हूँ दर्शकों को भगवंत मान का वो बयान। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो, इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0, 13 की 13 जीतेंगे जी, पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो, इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0, 13 की 13 जीतेंगे जी। तो भगवंत मान साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम 13 सीटें लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसे में तय होगा? नीतीश कुमार वहाँ अलग नाराज दिख रहे हैं। अखिलेश जी ये गठबंधन दिख कहाँ रहे भाई? संजय राउत जी कह रहे हैं कि इनकी हैसियत नहीं है महाराष्ट्र में, इनको 0 से शुरू करना पड़ेगा, खुद स्वयं कांग्रेस के लोग टीएमसी से कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि वहां तो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है जो इनके सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब में कि इनकी जमीन ही नहीं है, जमीन तो 2019 में इनको दी है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी कर रही है कि 1:30 बजे रात तक ये हमको इंतजार कराए, अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो जो 10 साल में कार किया उसको लेकर जा रहे हैं, इनको पूछिए करो महाराज नेता कौन है, इनके पास नेता है नहीं, नीति है नहीं, सारे भ्रष्टाचारी है। ABP News आपको रखे आगे।